तुम चुप क्यों? तुम्हारी खुशी क्या है? देखो संजय, अगर मेरी खुशी मेरे परिवार की खुशी में है और अगर मेरे परिवार की खुशी मेरी खुशी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी खुश और मेरा परिवार भी खुश। अगर मैं खुश रहूंगी तो वो खुश रहेंगे, है ना? अब समझ में आई मेरी बात? अब मुझे ऐसे देखना बंद करो। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते। अच्छा, मुझे एक फोन करना है। मंजरी कभी भी सीधा जवाब नहीं देती, फिर से बात घुमा दी, सीधे तरह से हाँ या ना भी नहीं बोला। मुझे इस वक्त संजय के सामने अक्षय को फोन नहीं करना चाहिए। पता नहीं अक्षय ने किस लिए फोन किया था और मैं बात भी नहीं कर सकी। क्या करूं? अब ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो मैं मंजरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये अब क्या पूछने वाला है? पता नहीं मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए कि नहीं, पर अगर मैंने नहीं कही तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कहा तो पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। देखो संजय, तुम्हें जो भी कहना और पूछना है प्लीज साफ साफ कहो। मैं कह रहा था कि मैं और तुम, तुम और मैं साथ में अगर लंच पे चले तो। ये बात थी, इसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा? समझा सकते हैं, और अब तो तुम्हारा हक भी बनता है मुझे बाहर ले जाने का। अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। थैंक्स। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे एक काम है। जिस सेठ जी ने पापा को पैसे दिए थे ना, मुझे पहले उसे सबक सिखाना है, उसके बाद हम लंच पे चलेंगे। ये लो, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। मुझे उस सेठ जी पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब अगर सेठ जी घर पे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इंतजार, मैं उनका यहीं पर इंतजार करूंगी। एक घंटे बाद तो घर वापस आएंगे ना। आज जब तक मेरे पैसे उनके मुंह पर नहीं फेंक देती ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। समझता क्या आपने? आपको पापा की बेइज्जती कर रहा था ना, आज मैं उसको ऐसा जवाब दूंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखे। ये पैसे वाले समझते क्या है? पैसे है तो इज्जत है। आज मैं उसकी सारी इज्जत निकाल दूंगी। करेक्ट, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक काम करना, तुम पैसे लेके सीधा उनके मुंह पे मारना, और वैसे भी मुझे उन्हें थैंक्स तो कहना है। थैंक यू क्यों? अरे उन्होंने मेरा इतना फायदा जो कराया। फायदा? कैसा फायदा? अब देखो, तुम ढेर सारे पैसे रोज कमाओगी तो मैं काम थोड़ी ना करूंगा। मैं तो सिर्फ ऐश करूंगा, घर पे बैठूंगा, घर का हिसाब रखूंगा, और बाहर जाके रोज शॉपिंग किया करूंगा, कभी अपने कपड़ों की, कभी परफ्यूम्स, कभी शूज, कभी वॉचेस। इसीलिए मुझे सेठ जी को थैंक्स कहना है। हेलो, अभी मैंने खर्चे के लिए पैसे मांगे ही नहीं कि तुम्हारा मूड अभी से ही खराब है। नहीं संजय, तो मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? मेरी असली खुशी तो मेरे परिवार से जुड़ी है, मेरे मम्मी पापा से जुड़ी है, जिन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और कभी नहीं चलता है। आज यही सब सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मंजरी, तुम इतना क्यों सोचती हो? अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा है। देखो, तुम आगरा वापस आ गई हो, अपने मॉम डैड के साथ रह रही हो, और वैसे भी तुम जो कुछ भी कर रही हो अपने मॉम डैड की खुशी के लिए तो कर रही हो ना। संजय, सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं होता। अग्री, लेकिन पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है मंजरी। अब देखो, तुम अपने डैड की कितनी बड़ी टेंशन दूर करने वाली हो, और जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना प्राउड महसूस होगा। और एक बात। कौन सी बात? वही कमाई वाली बात, उसे प्लीज कंटिन्यू रखना, क्योंकि मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सीरियसली मंजरी, जरा सोचो, अगर तुम शादी के बाद काम करना चाहती हो, अपने मॉम डैड की हेल्प करना चाहती हो, तो आई एम ओके विद इट।
मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक्स संजय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर मुझे नहीं थी। क्या मतलब? हाँ देखो ना, इतनी देर हो गई, तुमने खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया अभी तक। एक रिक्वेस्ट है, हाँ? शादी के बाद ऐसा मत करना वरना मैं भूखा मर जाऊंगा यार। अच्छा, बहुत बोलने लगे हो तुम। हाँ आउच मंजरी। वेटर, तुम भी ना एकदम बच्चों की तरह खाती हो। आज अब तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ, अब तुम्हारे सामने मैं ना समझ ही सही। वैसे तुम शादी के बाद मुझे ये सब सिखा दोगी ना? संजय, लगता है आजकल तुम बहुत फिल्में देखने लगे हो। हर बात पे फिल्मी डायलॉग। डायलॉग से याद आया, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो। ओके ओके। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। ये क्या है? अब खोलोगी तो पता चलेगा ना। कैसा लगा? Wow, this is beautiful. मंजरी, ये एक छोटा सा तोहफा है सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुमने आजकल लिखना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम बहुत बिजी हो जाओगी, तब ये पेन तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। थैंक्स संजय। अब खाना खाएं? Yep. आज का दिन तो बहुत बुरा निकला राधा जी, कहीं कोई काम नहीं हुआ। कल को सेठ जी पैसा मांगने आएंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं? ऊपर से मंजरी ने खरी खोटी सुना डाली उन्हें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। राधा जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक तो है? एक परेशानी है। क्या परेशानी है राधा जी? मैं सोच रही थी कि दोनों बेटियों की शादी के बाद क्या हम इसी घर में रहेंगे। क्या है ना, शादी के बाद मंजरी का तो ये ससुराल हो जाएगा, फिर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? सही कह रही हैं आप, ये तो मैंने सोचा ही। मंजरी की शादी के बाद हम उसके ससुराल में कैसे रह सकते हैं?
वक्त एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती। समझ नहीं आ रहा कब तक ऐसी भागते रहेंगे। परेशान हो गया हूं मैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हूँ, बटोरता हूँ, वही ठाक के दिन पाल, अब कहां से ढूंढेंगे नया घर। देखिए इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं हासिल होगा। ये समय टूटने का नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है। अरे भगवान भी तो हमेशा शरीफ और ईमानदार लोगों की परीक्षा लेता है। ये जितने भी बुरे बेईमान और खराब लोग हैं समाज में, सब मजे लूट रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, सब खुश हैं। हमेशा आम आदमी पिसता रहता है, हमेशा। अब इस दुनिया में आए हैं तो अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना जी, जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर तो नहीं भाग सकते। धीरज रखें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आखिर कब तक धीरज रखेंगे राधा जी, कब तक और कितना? देखिए जब तक हिम्मत है हमें हार नहीं माननी चाहिए। वैसे मैं आपको ये बात नहीं बताती, लेकिन शादी के बाद ये बात तुरंत आपके सामने आ जाती, फिर आप जल्दबाजी में और परेशान हो जाते, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया राधा जी, कम से कम सोचने का मौका तो मिलेगा हमें। और फिर मैं भी तो आपके साथ हूँ, हम लोग मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सही कह रही हैं आप राधा जी, आप हैं तो मेरी हिम्मत बनी रहती है, वरना तो मैं कब का टूट चुका होता। सेठ जी वहां पे, आप प्लीज उनको कह दीजिए कि मंजरी आई है। जी संजय तुम यहीं रुको, मैं सेठ जी से मिलकर आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो सोचे कि मैंने तुमसे कोई मदद ली है। मंजरी फिर भी जरा संभल कर, तुम कुछ ऐसी बात मत करना। पता है मुझे क्या बात करनी है, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में। ओके। तो आ गई तुम, होश आ गए तुम्हारे ठिकाने, मगर याद रखना मैं एक दिन भी नहीं बढ़ाने वाला, चाहे तुम कितनी भी माफी मांगो। माफी और आपसे? ये लीजिए आपके पैसे, ये पैसे मैं आपके मुंह पर फेंकने आई। चश्मे ठीक से साफ करके गिन लीजिए पैसे, इंटरेस्ट के साथ। मंजरी चतुर्वेदी ने एक दिन पहले अपना वादा पूरा कर दिया। बहुत सुना रहे थे ना आप मेरे पापा को, आपको क्या लगता है पैसे देकर आप लोगों को खरीद लेते हैं? अरे बेटी तुम ये क्या कह रही हो, चतुर्वेदी जी तो, चतुर्वेदी जी के सामने बहुत जुबान चल रही थी ना आपकी उस वक्त, जो मन में आए कहे जा रहे थे। आज वही चतुर्वेदी जी की बेटी आपके सामने खड़ी है आपके पूरे पैसे लौटा कर। आपको क्या लगता है लोगों को पैसे देकर आप उनको बेइज्जत करने का हक रख लेते हैं? कहिए ना चुप क्यों है अभी? आप एक बात भूल रहे, आप पैसे का धंधा करते हैं और इसी की वजह से आपका घर चल रहा है। अगर लोग आपसे पैसे लेना बंद कर देना तो रस्ते पे आ जाएंगे आप। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये मत सोचना कि कोई भी एरा गेरा के मेरे पापा को कुछ भी बोल के जाएगा और मैं चुप बैठूंगी। कितने घटिया इंसान है आप। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार इज्जत चली गई ना तो वो कभी वापस नहीं आती। आइंदा से अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे भाभी ये क्या बना रही हैं आप? मैंने सोचा चाय के साथ पकौड़ियां बना लूं तो नाश्ता में मजा आ जाएगा। पकौड़ियां? नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाती, ये सब खा के मरना है क्या? मेरी मिस वर्ल्ड जैसी फिक्र खराब हो जाएगी। ओ कितनी मुश्किल से मेंटेन करती हूँ मैं इसे। ऐसे भाभी आप इन सब बातों को कैसे समझेंगे? बेबी ये ऐसे क्यों चल रही हो? इसे कैट वॉक कहते हैं, सेफ्टी से मैश्वर्या की तरह चाल है ना मेरी। हाँ वैसे कल बाजार में अनिल को देखा था मैंने। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, वो अकेला ही था। ओह तो आप उससे मिली?
नहीं, मैं जानबूझ के उससे नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलती तो वो मुझसे पूछती कि तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रही हो और तुम कब तक वापस आओगी, तो मैं क्या बोलती उनसे। और वैसे भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। अच्छा किया जो आप उससे नहीं मिले, मैं खुद देख लूंगी उसे। लेकिन बेबी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तुम उससे खुल के बात क्यों नहीं कर लेती? कोई समस्या तो सामने आना चाहिए ना, तब तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। भाभी एक बात अच्छे से समझ लो, मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं आपको। अरे बेबी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों, हम कोई पराए हैं क्या? मैं कब से देख रही हूँ, जब से तुम इस घर में आई हो अनिल फोन पे फोन किया जा रहा है और तुम हो के उसका फोन ही नहीं उठाती हो। पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और ऐसा कब तक चलेगा बेबी? आखिर तुम चाहती क्या हो? भाभी आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, कुछ भी कहो तो बस बुरा लग जाता है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे कैसे नहीं सुनना चाहते, सुनना पड़ेगा आपको, बात मेरी खत्म नहीं हुई अभी तक, और सुनना नहीं आपको मानना भी पड़ेगा। अरे लड़के वाले हैं तो क्या अपनी मन की करवाते रहेंगे आप? हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे भाई ये बात मेरे उसूलों के खिलाफ है कि मैं अपनी लड़की के ससुराल में रहूं। अरे समाज वालों को क्या जवाब दूंगा मैं, अपने नाते रिश्तेदारों को क्या कहूंगा है? जो आज तक मेरे खानदान में नहीं हुआ वो मैं कैसे कर सकता हूं? अरे कहने दीजिए ना समाज को जो कहना है, भाई हम जानते हैं ना कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। सुनिए जरा मंजरी का ख्याल रखिए आप, उस बेचारे को जो पता चलेगा कि दोनों परिवार एक साथ रहते हैं, मायका ससुराल दोनों का प्यार उसे एक साथ मिलेगा तो कितनी खुशी होगी भाई। आपको समाज की पड़ी रहती है, अपनी बेटी को चिंता नहीं, कैसे बाप है आप? अरे भाई मैं लड़की का बाप हूँ इसलिए सब करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? और आप ये जो सब कह रहे हैं ना ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कल को जब मैं सड़क पर निकलूंगा लोग मुझे ताने मारेंगे बातें कहेंगे वो सब मुझे झेलना पड़ेगा, समझ गए आप? इसलिए मैंने जो कह दिया सो कह दिया, भाई हम इस घर में नहीं रहने वाले। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप, मेरा नाम भी लोचन श्रीवास्तव है, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। एक मिनट आप लोग प्लीज बच्चों की तरह ना बहस करना बंद कीजिए। आपकी बातों का मेरे पास एक सलूशन है, मैं और मंजरी कहीं बाहर जाके रह लेंगे, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और समाज को उंगली उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं नहीं ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हो, तुम्हारा घर है बेटा, तुम यहाँ रहोगे। बात सुनो, देखो बेटा भाई मेरी दो दो बेटियों की शादी होने वाली है, उसके बाद मेरा परिवार और भी छोटा हो जाएगा, तो इतने बड़े घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हम खुशी खुशी एक छोटे से घर में रह लेंगे, और वैसे भी बेटा बात तो वहीं की वहीं रहेगी। अरे भाई आप तो मान लीजिए, आप बच्चों की तरह क्यों जिद करते हैं आप? आपको टॉफी दूंगा बनाने के लिए मैं। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी टॉफी, अपने पास रखिए, आप ही चूसिए टॉफी। अरे बच्चा ज्ञान दे रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त करिए, काम आएगा। अरे नहीं चाहिए मुझे ज्ञान व्यान, अपने पास रखिए अपना ज्ञान, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरा फैसला अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, घर में फिलहाल अभी शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे आपसे। ठीक है? ठीक है, शादी हो जाने दीजिए, तब तक मैं शांत हूं, लेकिन उसके बाद मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। हाँ बस पूजा दी, हम शादी के बाद कहाँ जाएंगे? आप दोनों तो अपने नए घर चले जाओगे, मेरा क्या होगा, मम्मी पापा क्या करेंगे? चुटकी रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन मंजरी ये सब इतना आसान है क्या? कैसे होगा ये सब? दी हर मुश्किल हर परेशानी का जवाब होता है, अगर हम ऐसी हिम्मत हारते रहे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सेठ जी को भी पैसे देने थे, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल गया ना। पर मंजरी आजकल मकान मिलना इतना आसान नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई चल रही और पापा का काम भी नहीं चल रहा। मैं समझ सकती हूँ दी, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है अगर, अरे जब विश्वास है तो ये अगर मगर कहाँ से आ गया? मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन मैं इस घर का बेटा बनकर दिखाऊंगी।
और मेरे रहते हुए किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तुम करोगी क्या? मुझे क्या करना है ये बात मैं जानती हूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा।